आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अब एक महीने से कुछ ज्यादा का वक्त ही बचा है। 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथैम्पटन में होने वाले खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सुरक्षित तरीके से ठहरने की तैयारियां शुरू कर दी है। कई खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ पॉजिटिव आने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग को 29 मैचों के बाद ही स्थगित करना पड़ गया था। इससे सीख लेते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तमाम आयोजक और भागीदार अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आईसीसी ने बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को हिदायत दी है कि वे इंग्लैंड में कोरोना के प्रोटोकॉल नियमों का पालन सख्ती से करें। वहीं इंग्लैंड रवाना होने से पहले ही ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी का सपोर्ट स्टाफ में से कोरोना का कोई लक्षण तो नहीं है। इसके लिए टीम टेस्टिंग, आइसोलेशन सहित तमाम एहतियात बरतेंगी।